नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस समय पेट परीक्षा का फॉर्म आ चुका है और आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि फॉर्म को ज़रूर भर लिया होगा। अगर अभी भी आप लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा है तो दोस्तों, लास्ट डेट का वेट मत करिए और फॉर्म को तुरंत भर लीजिए। इस वीडियो में दोस्तों, हम क्या बात करने जा रहे हैं, ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10th या 12th अभी पास किया होगा, अभी जस्ट उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। और आपको जैसा कि पता है, पेट में आप सभी लोग एलिजिबल हैं, तो मैं आप सभी से बोलूँगी, आप सभी लोग परीक्षा का फॉर्म ज़रूर डालें। ये वीडियो आप ही सभी के लिए है, या फिर जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरुआत करें। मैंने देखे यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं, कैसे शुरुआत करें, कौन से टॉपिक्स कवर करें, ठीक है, अच्छे स्कोर कैसे आएंगे, जो सब लोग इन सभी चीज़ों को लेकर अभी भी परेशान हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी पहली बार कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 10th और 12th में क्या होता है, सिलेबस एकदम डिफाइंड होता है। वहाँ जब आप पढ़ाई करते हैं, आपकी एक बुक होती है, उसकी एक रेफरेंस बुक होती है और टॉपिक्स होते हैं, आप बिल्कुल वैसा ही पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पर सिलेबस डिफाइन ज़रूर होता है लेकिन क्वेश्चन का मोड कुछ पता नहीं होता, कब किससे क्या क्वेश्चंस आएंगे ये भी पता नहीं होता। लेकिन देखिए, पेट में सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे यही है, इन्होंने टॉपिक्स के साथ साथ नंबर डिफाइन कर दिए हैं। यानी कि जैसा कि हिस्ट्री में अगर 5 अंक लिखा है तो 5 ही अंक का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी, क्योंकि जो लोग पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, पहले तो आप सभी से ये कहूँगी कि बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने मेरी ये वीडियो देख ली हो, जो वीडियो मैंने बनाई थी कि मेरे कैसे स्कोर आए पेट 2021 में, वो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो पहले आप चैनल के लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, या फिर मैं एंड में भी आपको दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगी, आप इस वीडियो को पहले ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों, अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। आपको अपने अंदर पहले तो कॉन्फिडेंस लाना है कि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितने लोग देने जा रहे हैं उनके लेवल के बराबर तैयारी कर सकते हैं और उनके बराबर तैयारी ही करके जाएंगे भी आप लोग, इतनी मैं आपको गारंटी देती हूँ। कैसे करना है, क्या करना है, हम शुरू कर लेते हैं। पहले, सबसे पहले जो आप लोगों के कई क्वेश्चंस आते हैं हमेशा मुझसे, बेस्ट बुक्स के, तो देखिए जो मैंने आपको अभी वीडियो बताई है, वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने आपको सारी बुक्स एकदम डिफाइन करके बता दी किस बुक से आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, बेस्ट बुक जैसा कुछ नहीं होता। आप अगर किसी से बात करेंगे ना जिसने एग्ज़ाम निकाला होगा, उससे आप पूछेंगे ना कि कौन सी बुक आपने ली है, सबकी कॉमन स्टैंडर्ड बुक्स होती, सब उसी से पढ़ते हैं। बाकी क्या होता है, कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हर पब्लिकेशन वाले एक कंपाइलेशन दे देते हैं बुक्स का, लेकिन उसमें वही चीज़ें लिखी होती जो आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ ली है। तो मैं तो यही कहूँगी, एक बार आप स्टैंडर्ड बुक्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि आपको कई चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा, समझ में चीज़ें आएंगी। बाकी दोस्तों, मैं अपने चैनल पे तो आपको, जैसा कि आपको पता होगा, टेबल वाला देखिए वीडियो, ग्राफ का वीडियो, इन सब का करवा ही रही हूँ। साथ के साथ मैं आपको इतिहास, ज्योग्राफी, इन सब के भी नोट्स बनवाने जाऊँगी, इन सब के भी नोट्स आपको साथ के साथ बनाने शुरू करवा दूंगी, ठीक है। दोस्तों, टॉपिक्स देख लेते हैं पहले क्या क्या है। हिस्ट्री देखिए 5 अंक का आएगा, नेशनल मूवमेंट भी आपका 5 अंक का है, ज्योग्राफी 5 अंक का है, इंडियन इकोनॉमी 5 अंक का है, पॉलिटी 5 अंक का है, साइंस आपका 5 अंक का, अरिथमेटिक 5 अंक का, इंग्लिश 5 अंक का और आपका हिंदी 5 अंक का, लॉजिकल रीजनिंग भी 5 अंक का। ये सभी आपके 5-5 अंकों के हैं, लेकिन इन सबको मिलाकर दोस्तों अगर आप जोड़ेंगे तो मार्क्स कितने आ रहे हैं, 50। यानी कि इन सभी का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 50% है, ठीक है। इधर हम बात कर लेते हैं, करंट अफेयर्स आपके 10 नंबर के हैं, जनरल अवेयरनेस आपका 10 अंकों का है, अपठित गद्यांश भी 10 अंकों का है, ग्राफ 10 अंकों का है और टेबल 10 अंकों का है। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या है दोस्तों, ये भी आपका 50% सिलेबस है। तो जैसा कि जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, वही मैं फिर यहाँ पे आपसे कहूँगी। आप किसी भी पहली तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम की, कुछ भी कर रहे हो, पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक आपके कम हैं और इनको आप अच्छे से स्कोर भी कर सकते हैं, तो पहले हमारा फोकस इसी 50 नंबर पर रहेगा, जिसमें से मैंने अपने चैनल पर ग्राफ और टेबल की शुरुआत कर दी है, ठीक है। इनको मैं समझा रही हूँ, मैंने आपसे कई बार कहा है,
मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी आपको क्या करना है उसी दिन के उसी दिन आपको उसी की ढेर सारी उसी टाइप के प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की। मैं जितना बताऊंगी दोस्तों अगर आपने उतना कर लिया तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे रही हूँ आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। और कोई देखिए आपसे यहाँ पैसा नहीं लिया जा रहा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो भी क्वेरी है कमेंट में आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ने बात की, ग्राफ और टेबल हमने कराया है और मैंने आपसे कहा है आपके पास जो भी बुक हो कोई भी किताब हो उसी के उसी दिन आपको क्या करना था, ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन लगा लेने थे जिससे कि ये 20 नंबर आपके पक्के होते चले। ठीक है, जितने भी टाइप्स के हैं वो मैं करा दूंगी यहाँ पे। अपठित गद्यांश और करंट अफेयर्स देखिए एग्जाम के 6 महीने पहले का आएगा, वो मैं आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, सीधे सीधे आपको नोट्स दे दूंगी, एक दिन लाइव क्लास करा दूंगी 2-3 पार्ट्स में और वो खत्म करा दूंगी करंट अफेयर्स। जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है क्वेश्चंस, इन सब देखिए पूरी चीज़ों को यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में ऑलरेडी ये सब कवर किया है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात इस चीज़ करने जा रहे हैं कि अभी अगर आपने शुरुआत नहीं की है आप अभी भी पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि कैसे शुरुआत करें यार, पेट तो पहली बार देने जा रहा हूँ क्या करूँ। इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना, पहले तो आपको ये वाले टॉपिक कवर करने, ठीक है, इनमें से करंट अफेयर्स को छोड़ के ये सारी चीज़ें तो आपको 40 नंबर कवर ही करने हैं। उसके बाद आप इधर से कवर करना शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको इसमें से कोई भी चीज़ ज़्यादा आती नहीं होगी, आपको बुक उठा के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कुछ एग्जाम्स इसके पहले दिए हैं, आपने कई एग्जाम्स दिए हैं तो आपको बेसिक नॉलेज इन सब में से हर चीज़ की होगी, थोड़ी नॉलेज। तो आपको देखिए दोस्तों करना क्या है, फिर इसी को और अच्छे से पढ़ना है, किसी अपनी स्टैंडर्ड बुक को उठा के सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। बाकी क्या करना है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करना है। तो सबसे पहले देखिए हम शुरुआत क्या करेंगे, सिलेबस क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया, कितने मार्क्स से क्या क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आइए, एक ऐसी बुक कोई भी लेकर आइए जिसमें UP SSC द्वारा पूछे गए सारे पेपर्स हों। ठीक है, जो भी जितने पेपर कराता है UP SSC जूनियर असिस्टेंट कुछ भी कराता, क्यों, उससे आपको पता चलेगा हिंदी में क्या पूछता है, इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, कंप्यूटर्स में क्या आता, कंप्यूटर्स यहाँ पे है नहीं, इंग्लिश में क्या पूछते हैं, पॉलिटी में क्या पूछते हैं। इसलिए आप ऐसी बुक लेकर आइए एक मार्केट से जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हों। तो पहले आप सब कुछ छोड़ के पहले क्या पढ़ेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा कर देखेंगे कि आपको कितने आ रहे हैं, कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, फिर आप मार्क करिए। उसके बाद देखिए एक दो दिन आपको अपनी सेल्फ एनालॉजी में देना पड़ेगा, सेल्फ सोचना पड़ेगा कि मैं किस लेवल तक तैयारी कर चुका हूँ, मुझे कितने की और की ज़रूरत है। ठीक है, एक दो दिन आप सेल्फ एनालिसिस खुद करिए। देखिए दोस्तों कई लोग मुझसे यही बोल रहे थे कि मैम टाइम टेबल बता दीजिए, लेकिन मैं देखिए टाइम टेबल नहीं बना पाऊंगी। इसलिए नहीं बना पाऊंगी क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, कई ऐसे होंगे जो कुछ और काम में बिजी होंगे, तो मैं टाइम टेबल जो यहाँ बनाऊंगी वो आपके साथ क्लैश कर सकता है। या तो मुझे आप सबकी डिटेल जानकारी हो कि आप किस समय कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, उसके बाद में आपका टाइम टेबल बना सकती हूँ। तो टाइम टेबल देखिए बनाने का काम आपका है, लेकिन डेली दोस्तों 5 से 6 घंटे पढ़ना आपका काम है। किसी भी तरह आप कोई भी काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है दोस्तों आपको अभी से, क्योंकि सितंबर में एग्ज़ाम है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मार्क्स पेट में आप जितने ज़्यादा अच्छे लाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आपने देखा था लेखपाल में 8000 पद हैं तो 62.96 गई थी जनरल की कट ऑफ। उसके बाद आपको पता है कि 76-76 पदों के लिए अभी जब आपकी पोस्ट आई थी सप्लाई इंस्पेक्टर की तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 बच्चों को क्वालिफाई कराया, जिससे कि आपको पता है कट ऑफ कितनी गई, 86। यानी कि आप जितने ज़्यादा अच्छे स्कोर ले आएंगे पेट में आप उतने ही ज़्यादा एग्जाम्स में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके स्कोर कम रहते हैं आप हो सकता है एक ही परीक्षा दे पाएं। आपके स्कोर जितने ज़्यादा रहेंगे आपके परीक्षाओं में बैठने के चांसेस उतने ज़्यादा ही रहेंगे। तो आप कोशिश यही करिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करिए। ठीक है, पहले आपको क्या करना है मैंने बताया, सिलेबस देखना है, फिर आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर देखना है, खुद से लगाना है, देखना है कितना आ रहा है। कुछ नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, आपको पता तो चलेगा अच्छा मुझे यार हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, मुझे ये भी नहीं आता, ज्योग्राफी भी नहीं आती है, तो आपको वो सब चीज़ का मतलब उसी दिन से शुरू कर लेना पढ़ना। ठीक है, और जिसको वो टॉपिक्स आते हैं वो उसको छोड़कर बाकी चीज़ों की तैयारी में लगेगा। ठीक, सबसे पहले कि मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको इधर से स्टार्टिंग करनी है क्योंकि इधर से स्कोर करना आसान है और मार्क्स भी इधर अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो पहले इधर वाले आप टॉपिक कवर करेंगे 50 नंबर, फिर आप इन 50 पे आएंगे। ठीक, उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जो आप पढ़ते चलिए
उसका आपको हर थोड़े दिन पर रिविज़न भी करना है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ हिस्ट्री में पढ़ाया, जो कि मैं पढ़ाऊंगी आपको, मैंने देखिए दोस्तों अभी घटनाचक्र पॉइंटर से आपको प्लेलिस्ट एक बना के दी, उसमें घटनाचक्र पॉइंटर आके कई लोगों के पास हो सकता है बुक ना हो, घटनाचक्र पॉइंटर की मैंने पूरी वहाँ पर आपको UPGS हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पूरी दी है अभी। और दूसरी आपको दोस्तों, अब मैं आपको इतिहास, जैसे इतिहास से शुरुआत करेंगे हम लोग, इतिहास पूरा शुरू से पढ़ाएंगे कि 1857 के पहले कब अंग्रेज आए, क्या क्या चीज़ें हुई, उस हिसाब से लेते लेते पूरा 2-3 वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उनको आप पढ़ने के बाद रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको ईयर या जो भी फैक्ट्स हैं वो भूले नहीं। और कोई बुक जरूर अपने पास स्टैंडर्ड रखिएगा, जो भी आपके पास हो, लूसेंट हो, घटनाचक्र हो, परीक्षा वाणी की बुक हो, NCERT हो, जो बुक आपके पास पढ़े हो उसका रिविजन जरूर करते चलिएगा, ठीक है। और जो आप डेली पढ़िए उसका भी रिविजन जरूर, आपको वीकली रिविजन करना है, डेली रिविजन करना है, फिर मंथली रिविजन करना है, ठीक है। उसके आप लोगों को दोस्तों फाइनली क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा आपको पता तब तक नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ हो रही, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इस तैयारी में यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। तो आपसे ये भी कहूँगी कि आप प्रैक्टिस सेट भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाइए, प्रैक्टिस भी खूब कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है एक दो बार कि आप टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आती, सुना भी होगा आपने नाम, टेस्ट बुक में आपको मेरा कूपन अगर आप यूज़ करेंगे, ये कूपन दिख रहा होगा आपको GES, अगर आप ये कूपन यूज़ करेंगे तब भी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जो जितने का भी है देख लीजिए आप, 375 का शायद आपको कोर्स मिलेगा। और इसमें बेनिफिट दोस्तों ये है कि आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते हैं, चाहे आपका बैंकिंग की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे ये पेट की हो, चाहे लेखपाल की हो, बस जो भी परीक्षा होगी आप उन सब में वहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है, इतने ही कम पैसे में। तो आप इसको भी अगर लेके देखना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी दोस्तों यही इतना चीज़ आज के उसमें था जो मैंने आपको बताया। पहली चीज़, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सभी लोग कमेंट में बार बार लिखते हैं कि मैम क्या करें, कैसे शुरुआत करें। शुरुआत के लिए आपको पहले तो यही करना दोस्तों, परेशान नहीं होइए, एकदम भी परेशान नहीं होइए। पहला काम करना है आपको, सिलेबस मैंने बता दिया है, टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाइए, वहां पे कंप्लीट सिलेबस आपको भेजा जा चुका है, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के मिल जाएगा। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आना है, उसको देख के आपको एनालाइज करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक आते हैं और क्या एकदम नहीं आते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता है तो परेशान नहीं होना है, कुछ भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद मैंने जो ग्राफ और टेबल बताया है आप उस वीडियो को जाकर देखेंगे, ग्राफ टेबल को समझेंगे और जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करेंगे। और मैं जैसा जैसा कहती जा रही हूँ वैसा वैसा आप लोग करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हम जैसा जैसा पढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा आप लोग पढ़ते जाएंगे। और दोस्तों जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे घटनाचक्र पॉइंटर बता रही हूँ, आप उसको जरूर देखिए, वो सब भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपका रिविजन ही हर तरफ से हो रहा है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए, प्रैक्टिस सेट को फॉलो करिए और पढ़ाई करते रहिए। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। डेली आपको 5 से 6 घंटे का टाइम बना के चलना, आप कुछ भी कर रहे हैं, कितने भी बिजी हैं, आपको डेली इतना टाइम देना है। अगर आप इतना टाइम देंगे मैं गारंटी कह रही हूँ आपके 80+ से मार्क्स कम आने ही नहीं वाले, अगर आप रोज सिंसियरिटी से देंगे। बस आपको एक भी दिन गैप नहीं करना, कुछ भी आ जाए, किसी की शादी, ब्याह, मुंडन, कुछ भी आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम निकाल के 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना है, कोई आ जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।